हे गाइस, वंस अगेन वेलकम टू जामिंग स्टडी। दिस इज शुभम सिंह और आज हम लोग बात करने वाले हैं ईवीएस पेडागॉजी पार्ट 6 की। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके पास जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, डेली आपके पास वीडियोस आते हैं, आप उनको अच्छे से पढ़िए और प्रिपेयर करिए, क्योंकि अभी एग्जाम कब हो जाए, कब डेट आ जाए आपको पता नहीं है, तो आप इसलिए आप थोड़ा थोड़ा उसको पढ़ते रहिए ताकि आप भूल ना जाए। डेली थोड़ा बहुत रिविजन करते रहिए। तो चलिए इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। दूध को पकाने के लिए दूध को उबाला जाता है, ये नॉर्मली आपको सभी को पता है, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है। पके हुए चावल को एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं। जो हरा धनिया होता है उसको गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं ताकि वो खराब ना हो। जो हमारी प्याज होती है, लहसुन होता है, उसको अगर नमी से हमें बचा कर रखना तो उसको खुले में रखना पड़ता है, नहीं तो खराब हो जाती है, सड़ जाती है। तो क्वेश्चन हमारा कैसे पूछा जाएगा कि जो प्याज और लहसुन है उसको नमी अगर उसमें लग जाएगी तो क्या होगा, खराब हो जाएगा। तो किससे बचा कर रखते हैं, नमी से बचा कर रखते हैं। और जो हरा धनिया है उसको किस में लपेट कर रखते हैं, तो आप ऑप्शन टिक करेंगे गीले कपड़े में। जो अत्रेपुरम कस्बा है कहाँ पर स्थित है, तो आप टिक करेंगे आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में स्थित है। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि अत्रेपुरम किस राज्य में स्थित है या किस राज्य के किस जिले में स्थित है, तो आप आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में स्थित है। आम पापड़ आप जानते होंगे, आपने खाया भी होगा। आम पापड़ को मामीटी तांड्रा भी कहते हैं। मुस्लिम्स भाई जो होते हैं वो कपड़े को छानने में यूज करते हैं छन्नी के रूप में। कांच का जो जार होता है, कांच के जार और बोतल को अच्छे से सुखाया जाता है ताकि उसमें नमी वगैरह ना रह जाए और अचार खराब ना हो। तो कांच का जो जार होता है उसमें अचार वगैरह भरने से पहले उसको धूप में रखा जाता है उसकी नमी को दूर करने के लिए। आम को पूरे साल चलाने के लिए या उसको संरक्षण प्रदान करने के लिए उसका हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि आम एक सीजन में ही आता है, तो उसका यूज हम कैसे करते हैं, उसका यूज हम अचार पापड़, आम पापड़, चटनी, टॉफी इत्यादि बनाकर उसका संरक्षण करते हैं, जिससे हम किसी भी सीजन में उसका यूज कर पाएं और उसका आनंद उठा पाएं। अचार, आम पापड़, चटनी, टॉफी इत्यादि चीजें उससे बनाई जाती हैं। अब क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि गिजू भाई बगेका कहाँ के रहने वाले हैं और किस लिए फेमस थे। तो गिजू भाई बगेका जो हैं वो गुजरात राज्य के थे और वहाँ पर रहते थे, और ये एक राइटर थे, फेमस राइटर, जो कि बच्चों के लिए मजेदार किस्से और कहानियाँ लिखते थे। कलचिड़ी, कुछ पंछियों के बारे में बात करते हैं। कलचिड़ी या इंडियन रॉबिन बोलते हैं उसको, और इसकी खास बात क्या है कि ये पत्थरों के बीच खाली जगह में अपना घोंसला बनाती है। ये घोंसला घास से बना होता है, इसके ऊपर पौधों की टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा रहता है। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, और कौवे के घोंसले में आपको लोहे के तार, लकड़ी की शाखाएं जैसी बहुत सारी चीजें मिलती हैं। कोयल की खास बात यह होती है कि वह अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाती है, और वह दूसरों के घोंसलों का यूज करती है, जैसे कि कौवे के घोंसले में अंडे देती है, और कौवे अपने अंडे के साथ साथ कोयल के अंडे भी सेता है। फाख्ता चिड़िया की अगर हम बात करें तो जो कैक्टस के पेड़ होते हैं, कटीले होते हैं काफी, कैक्टस के कांटों के बीच या जो मेहंदी का पेड़ होता है उसमें भी कांटे होते हैं, मेहंदी के पेड़ में अपना घोंसला बनाती है फाख्ता। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कैक्टस के पेड़ में कौन घोंसला बनाता है, गौरैया, कबूतर, फाख्ता या कलचिड़ी, तो आप फाख्ता टिक करेंगे। या आपसे पूछा जाएगा मेहंदी के पेड़ में कौन घोंसला बनाता है, तो आप टिक करेंगे फाख्ता। गौरैया आपने देखा होगा, घरों में नॉर्मली देखने को मिलती हैं,
गौरैया जो है अलमारी के ऊपर या आईने के पीछे, ये घर की जो दीवार होती है जिसको गांव में आरा बोलते हैं, दीवार के आड़ में ये अपना घोंसला बनाती है। अगर हम कबूतर की बात करें, कबूतर पुराने मकान खंडहर में अपना घोंसला नॉर्मली बना लेती है। तो पुराने मकान या खंडहर में अपना घोंसला कौन बनाता है? तो आप ऑप्शन पिक करेंगे कबूतर। आप ये जो भी वन लाइनर क्वेश्चन है और जो भी ये सारे कुछ इम्पोर्टेंट हैं, आपको खुद पता होगा कि कितने इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप इसके साथ प्रीवियस पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितने इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। और अगर ये पढ़ने के बाद अगर आप प्रीवियस पेपर सॉल्व करते हैं तो गारंटीड आपके जो ईवीएस पोर्शन होगा उसमें आप 30 में 30 मार्क्स गेन कर सकते हैं। पेपर 1 की बात कर रहा हूँ मैं। तो पेपर 1 में आप प्रीवियस पेपर उठाकर देखिए, आपको बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हुए मिलेंगे और बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस उनकी लैंग्वेज चेंज हो सकती है लेकिन क्वेश्चंस वह रहते हैं। तो अगर आपने एक बार इनको अगर पढ़ा है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बसंत गौरी, बसंत गौरी पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे देती है। आपने देखा होगा पेड़ों वगैरह में जो काफ़ी कभी कभी आपने पेड़ों में देखा होगा छेद होता है, तो बसंत गौरी वहाँ पर अपना घोंसला बनाती है और उसी में अंडे देती है। दर्जन चिड़िया, जैसे इसका नाम है वैसा इसका काम है। दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सिल लेती है और उसके बीच में बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है और यहीं पर अपना घोंसला बनाती है। शक्कर घोरा, ये खास प्रजाति का होता है। किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है। आपने अगर देखा होगा गांव वगैरह में तो झाड़ियों में ये अपना घोंसला बनाता है। और इसकी खास बात यह है कि इसके घोंसले में बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते या रुई या पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चीथड़े इत्यादि आपको मिलते हैं। यहाँ तक कि ये मकड़ियों के जो जाले होते हैं उनका भी यूज़ अपने घोंसले बनाने में करता है। बीवर पक्षी, सभी नर बीवर पक्षी जो होते हैं अपने घोंसले बनाते हैं और मादा बीवर उन सभी घोंसलों को देखती हैं और उनमें से जो सबसे अच्छा लगता है उसमें ही अंडे देती हैं। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो बीवर पक्षी होती है, बीवर पक्षी में से घोंसला कौन बनाता है, नर बनाता है या मादा? तो आप इनको अच्छे से आप पढ़िएगा। बीवर पक्षी में जो नर होता है, नर पक्षी घोंसला बनाता है, बाकी मादा पक्षी जो होता है उन उनके द्वारा बनाए गए नर पक्षियों द्वारा बनाए गए घोंसलों को मादा पक्षी उसमें अपने अंडे रखती हैं। जो भी उनके घोंसलों में जो भी पसंद आता है उनको, उनमें अंडे देती हैं। तो बीवर पक्षी में जो जितने भी नर बीवर होते हैं वो ही अपने घोंसले बनाते हैं, मादा नहीं बनाते हैं। गाय के जो आगे के दांत होते हैं वो पत्तों के काटने के लिए होते हैं, नुकीले होते हैं, और जो गाय के पीछे के दांत होते हैं वो घास चबाने के लिए, पीछे के दांत चपटे होते हैं और बड़े होते हैं, और जो आगे के दांत होते हैं वो नुकीले होते हैं। तो आप ये याद रखिएगा, गाय के जो आगे के दांत होते हैं वो नुकीले होते हैं पत्तों को काटने के लिए, और जो चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे होते हैं और बड़े होते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो कि मांस फाड़ने और काटने के काम आते हैं। सांप के दांत गीले होते हैं और वह अपने शिकार को चबा कर नहीं निगल कर खाता है। तो जो सांप के दांत होते हैं वो नुकीले होते हैं, वो काटने के काम आते हैं और उनको चबाने के वो चबा नहीं पाता है क्योंकि उसके दांत नुकीले होते हैं और वो अपने शिकार को चबा कर नहीं निगल कर खाता है। गिलहरी की अगर हम बात करें, गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं।
और दांतों से काटने और कुतरने के कारण उनके दांत घिसते रहते हैं। आपने देखा होगा कि जो गिलहरी होते हैं और जो चूहे होते हैं उनके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, तो ये क्या करते हैं कि ये कुतरते रहते हैं हमेशा, वरना अगर ये कुतरेंगे नहीं तो उनके दांत हमेशा बढ़ते रहेंगे और उनके जो उनका मुंह होता है उसको आर पार कर जाएंगे। इसलिए ये हमेशा गिलहरी और जो चूहे होते हैं वो हमेशा कुतरते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आज के इम्पोर्टेंस जो भी क्वेश्चन है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आप देखेंगे बहुत बार आए हैं और बार बार यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़िए। और ये जितने भी मैं वीडियो आपको दे रहा हूँ, इन सभी की पीडीएफ उनकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और इनको बार बार इनको पढ़िए। और आपको जो एनसीईआरटी बुक्स है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, वरना जो भी उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट लाइन है, मैंने आपको सारा कुछ करा दिया है, आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो प्रीवियस पेपर लगा सकते हैं और देख सकते हैं कि उसमें कितना आपको बेनिफिट मिल रहा है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।